लेकिन आप क्वेश्चन आवर तो करने देना, क्वेश्चन जी जी शाजिया। आप कह रहे हैं आप हमें सुनेंगे नहीं। थैंक यू स्पीकर साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट इसलिए की थी क्योंकि आप जिस कुर्सी पर विराजमान हैं वो कस्टोडियन की कुर्सी है। इस हाउस में किसी रुकन के साथ कोई ज्यादती होती है, सबसे पहले एज फादर ऑफ दिस हाउस हम आपको देखते हैं। हम आपसे कोई गैर जरूरी या नामुनासिब डिमांड नहीं करते। इन दो हरी किताबों के अंदर जो हमारे राइट्स हैं, हम उनकी प्रोटेक्शन चाहते हैं। आप हमें फ्राम करें। रिक्वेस्ट की है। सर, आप मेरी, आप मुझे मिल लिए, आपने मुझे मिल लिया। मैंने सिर्फ ये एक कॉल अटेंशन लेके आपको मौका दे रहा हूँ ना। एमएनए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जो पहले 12-13 साल जेल काट के आज नैब की विक्टिमाइजेशन में, आज नैब उनके घर के बाहर खड़ी है। अगर 5 मिनट वेट कर ले तो बात कर लेंगे ना। पहले गायब हो चुके हैं, हम उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स की भी बात। स्वाति साहब प्लीज कंटिन्यू। तो बुनियादी तौर पे इंशाल्लाह बुनियादी तौर पे ये कार अटेंशन तालीम से मुतल्लिक है। हमारी वो नई पौध जो इसी तालीम के बुनियाद से इसके बेहतरी आने से जो है वो आगे बढ़ेगी और इसकी तफसील जो है, और मैं ख़ास कर मेंबरान को दाद देता हूँ कि कार अटेंशन नोटिस जो है वो लेके आए और उसकी तफसील इस तरह है कि 564 इलेक्शन फैसिलिटीज़ वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस एरा के प्रोग्राम के अंदर जो है वो लाई गई, जिसमें से 362 जो एजुकेशन फैसिलिटी थी वो कंप्लीट की गई। 500 मैंने कहा ये कल अटेंशन कंप्लीट हो तो मैं देता हूं मौका ना, ये कल अटेंशन तो कंप्लीट हो इसके बाद देता सर। 564 से टू मिनट्स वेट कर ले, टू मिनट्स। अगर मैंने इनके साथ बात कर दी, 362 जो थे वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और 117 फैसिलिटी जो है वो इस वक्त रिकंस्ट्रक्शन के फेज में है। 25 फैसिलिटी जो है मैं करता हूँ सर, मैं बिल्कुल करता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने इनके साथ बात कर दी। बुनियादी तौर पे 2012 के अंदर कॉम्प्रोमाइज किया गया, जब PSTP के अंदर फंड जो है वो कम किए गए। ओके ओके जी, क्या ख्याल है? मैं इसको स्वाति साहब ठीक है जी, आप बात, आप 2 मिनट में अपना बात कब देखे जी। प्लीज प्लीज वाइंड अप मैडम, प्लीज प्लीज शाजिया। मैंने आपसे मोदबाना गुजारिश की ऑनरेबल MNA फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, जिस किस्म से नैब हिरासा कर रही है वो आप देख रहे हैं, आज उनके घर के बाहर उनको अरेस्ट करने पहुंच चुके हैं। इस सूरत हाल में मुझे आपसे क्या श्योरिटी है कि आप बर वक्त, खुदा न खास्ता अगर ये अमल होता है, आप किस तरह उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे? आप प्रोटेक्शन ऑर्डर कब देंगे? आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स कब देंगे? आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो ऑनरेबल मेंबर इस हाउस में महफूज हो, इस हाउस का हिस्सा बन के रहे? सर, यके बाद दीगरे आपके ऑनरेबल मेंबर्स उठाए जा रहे हैं और वो सारे अपोजिशन के, आप गिनती कर लें, क्या नैब केसेस इन गवर्नमेंट अराकीन पर नहीं है? क्या नैब के रेफरेंसेस इन गवर्नमेंट अराकीन पर नहीं है? लेकिन इनके साथ एक अलग सलूक है, हमारे साथ एक अलग सलूक है। हम बात करते हैं तो आप पर प्रेशर होता है कि इनको बात ना करने दें, हम यहां बात नहीं कर सकते, हम बाहर चार्ज होता है, कैनन बरसाए जाते हैं, हम कहां बात करें? ये कैसी जमहूरियत है? ऐसी जमहूरियत और ऐसे निजाम से शायद इन्हें तकवियत मिलती हो। हमें ये तोड़ रहे हैं, हमारे ये मुंह बंद कर रहे हैं, हमें ये कहीं बंद करना चाहते हैं। मैं वेलकम करती हूँ कि आज ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन आ गए इस हाउस में, जिनके लिए कयास आराइयाँ हुकूमत फैला रही थी, और वो भी हमारी आवाज़ बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन, जो तमाम जमातें उनके साथ
اپوزیشن کی ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گی کہ honorable members are being picked up just because they are with the people honorable members are being victimized کیونکہ وہ آپ کی غلط پالیسیز پہ بات کر رہے ہیں آپ کی غلط گورننس کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں آپ کے نیب کیسز پہ بات کرتے ہیں تو دوسرے دن آپ ان کے اوپر کاروائی کرتے ہیں سر دس از ناٹ دا وے ڈیموکریسی رنز میڈم ایک تو آپ نے بات کی سب سے پہلے آپ مجھ سے ملی ہیں آپ ہمیں فریڈم آپ کو میں نے کہا ہے کہ جیسی میں ایجنڈا ختم کر کے آپ کو موقع دوں گا آپ انشور کریں کہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت اس ہاؤس میں آئیں یہ آپ انشور کریں یہ آپ ہمیں انشور کر کے دیں ہم آپ سے مانگ رہے ہم آپ سے مانگ رہے میں قانون کے مطابق کروں گا جو بھی at your chair at your position at the sanctity of your position hum aap se justice chahte hame aap delaying tactics mein na phasaiyega kisi bureaucrat ki na suniyega aap apni wisdom se kaam kare aap custodian ki haisiyat mein kaam kare delaying tactics ke bina ensure kare aaj yahan ka mna kal wahan ka mna bhi ho sakta hai this is the matter concerning this august house sir isko پلیز کوئی جواب دیں کہ آپ کیسے انشور کریں گے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اس ہاؤس میں انٹیریئر منسٹر پلیز انٹیریئر منسٹر پلیز اعجاز شاہ صاحب سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سر آپ کو پتہ ہی ہے سر وی ور آل ود یو اینڈ دس یہ ہمیں پتہ تھا کہ زرداری صاحب کورٹ پہ پیش ہو رہے ہیں تو اس میں میرے خیال کے مطابق رسپیکٹ کرتے ہیں جو وہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن ایز فار ایز دا حکومت از کنسرن دے ڈونٹ ہیو اینی رول سر یہ تو کہ اس کی ایک منٹ سر یہ جو نیب تھی یا ہے نہ اس حکومت نے بنائی نہ پہلو نے بنائی یہ خواجہ صاحب مجھے بڑی میرے بڑے مجھے تھینک یو ویری مچ پھر میں سر اگے نہیں جانا پھر میں ناؤ آئی ول ناٹ گو بیونڈ دیٹ سو دس از ڈن بائی دا نیب سر اینڈ دا گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ ایز فار ایز اریسٹ بلیو می سر اف یو بلیو می ایز اے انٹیریئر منسٹر ایون دا نیب ہیز آسک می ٹو گیو دم دا مین پاور حالانکہ جو کچھ پہلے ہوا ہے نیب کے پکڑنے کے اوپر اس کو اگر دیکھا جاتا تو نیب کو چاہیے تھا دے شوڈ ہیو آسک می فار دا ایکسٹرا پاور مجھے نہیں انہوں نے پوچھا So that is what I am saying, that this is a court decision. Court کر رہی ہے سر اس میں میں کیا جواب دوں یا اور کوئی گورنمنٹ کا آدمی کیا جواب دے تھینک یو سر